हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कप फ्लावर पॉट। ये देखिए, इसकी डिजाइन ऐसी है। इसे बनाने के लिए धागा, इंची टेप, लाइटर, सीजर, रिंग रिंग तीन चाहिए, एक 5 इंच की, एक 4 इंच की, एक 3 इंच की। धागा आधे लच्छे में हो जाएगा और ये वाला थोड़ा सा ही लिया। ये देखिए, हमने धागा काट लिया है। एक धागा 1 मीटर का और 22 धागे। 4 इंच वाली रिंग लेंगे, इसको ऐसे नीचे से रखे और ऐसे ये ऐसे, और इसके बाद एक बार और ऐसे यहाँ से और इसके बीच से ऐसे। ये देखिए ये ऐसे, इसी तरह सभी धागे फंसा देंगे। ऐसे डबल फोल्ड किए, ये ऐसे रखे, ये ऐसे, फिर इसको एक बार और लपेट दिए। ये देखिए, सभी धागे फंस गए हैं। अब जैसे 4 धागे लेंगे, अब इसमें गांठ लगाएंगे। इसके लिए हम एक किनारे वाला धागा ऐसे और इसको यहाँ से और इसके बीच से, फिर सेम इधर से रखेंगे ऐसे और यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारी एक गांठ हो गई, इसे छोड़ देंगे। फिर ये 4 धागे लेंगे, फिर से यही वाली ऐसे यहाँ से, अब इस साइड से रखेंगे। देखिए ये ऐसे, इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये राउंड हो गया। अब 2 इस गांठ के धागे, 2 इसके, अब इसमें हमें एक गांठ लगाएंगे। ये देखिए, इसी तरह राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जैसे हमारा 2 राउंड हो गया है, यहां से हम ये रखेंगे, इतना हम बनाएंगे 3.5 इंच का। सेम इसी तरह रिपीट करते हुए ये देखिए बन गया। अब हमारी जो 3 इंच वाली रिंग है, उसमें धागे फंसाएंगे। इसको पहले ऐसे डाल लेंगे, अब इसको ऐसे ऐसे, इसी तरह हम धागे सभी फंसा लेंगे।
ये देखिए पाइपिंग हो गई। अब ये वाला धागा हम लगाएंगे यहाँ। तो ऐसे पहले गांठ लगा लेंगे, इसको लेके ऐसे इसमें पाइपिंग करेंगे। देखिए इसको ऐसे और इसके बीच से दूसरा धागा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, फिर से इसी तरह करेंगे पाइपिंग। फिर इसे छोड़ के फिर लेंगे देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सभी धागों में हम पाइपिंग कर देंगे इससे। ये देखिए यहाँ तक हो गया जिसमें हम गांठ लगाए थे। इसको ऐसे छोड़ लेंगे, ये धागे को यहाँ से कट करके यहीं से चिपका देंगे। हम इसमें भी पाइपिंग कर देंगे। एक बार हो गई है। अब ये धागा लेंगे और इन धागों से पाइपिंग करेंगे। देखिए इसको ऐसे, देखिए इसी तरह ये राउंड कर लेंगे। फिर इसके बाद इस धागे से फिर से करेंगे ऐसे, यहाँ रिपीट किए। ये देखिए अब इसको ऊपर रख के इस धागे से पाइपिंग करेंगे।
बाद छोड़ देंगे, दूसरा धागा लेंगे, फिर करेंगे इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये पाइपिंग हो गई, ये धागा अब हम कट कर देंगे। इसको यहीं चिपका देंगे। अब रिंग लेंगे, ये रिंग में ऐसे करेंगे, ये धागे जो हैं ऐसे फंसा देंगे। एक एक करके हम सभी धागे रिंग में फंसा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रिंग में धागे सभी फंसा लिए हैं। अब इसको ऐसे करके बनाना है। इसके लिए हम ये धागा लिए हैं, इसमें ऐसे गांठ लगा देंगे। अब इन धागों से इसमें पाइपिंग करनी है, ये ऐसे ऐसे। इसी तरह हम करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ हम गांठ लगाए थे, इसको छोड़ लेंगे। देखिए इस धागे को हम अंदर ही ऐसे करके इसको ऐसे चिपका देंगे। अब इस धागे में पाइपिंग कर देंगे। फिर अब अगला राउंड लेंगे धागे लेके। ये देखिए जैसे इस राउंड में हम कुछ धागे बीच बीच के छोड़ते जाएंगे, क्योंकि इससे हमें छोटा करना है। ये ऐसे आता जाएंगे।
जैसे हमें ज्यादा लग रहा है तो इसे हमें कट कर देंगे। ये देखिए इसी तरह हमें पूरा राउंड कर लेंगे, ऐसे इसी तरह हम बनाते जाएंगे। हमारा थोड़ा सा आएगा, एक दो धागे रहेंगे जब तक बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी हो गई है, इनको हम यही कट कर देंगे। ये धागे सभी ऐसे अंदर डाल देंगे। इसको चिपका देंगे। अब हम दो धागे लेंगे, एक तो आधा मीटर का लेंगे, ये देखिए इसको यहाँ से फंसा लेंगे। दूसरा धागा एक मीटर का, इसमें ऐसे नीचे से रख के इसमें गांठ लगाएंगे ऐसे। यही वाली जो हमने पहले लगाई थी, ये देखिए हमने बना लिया है। ऐसे करके यहाँ तक होना चाहिए। ये दोनों धागे हम कट कर देंगे। ये देखिए इनको ऐसे करके यहीं सेम इधर देखिए इसको हम यहाँ पे अब डालेंगे। ये देखिए हमारे डल गए हैं, इसे हम ऐसे गांठ लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट है। आप इसे सेंटर टेबल में रख के ऐसे फ्लावर डाल सकते हैं। ये देखिए इसकी डिजाइन ऐसी है।